हेलो स्टूडेंट, कैसे हो तुम लोग? आई थिंक ये तुम लोग बढ़िया ही हो। आज 25 दिसंबर 2019 है, सो हैप्पी क्रिसमस। और क्रिसमस में मेरे पास भी एक गिफ्ट है जो बहुत बढ़िया है। वो ये है, जो चैप्टर मेरे पास तो एक्चुअली चैप्टर वाला ही गिफ्ट हो सकता है। सो दैट्स वाई आज मेरे पास एक बहुत अच्छा गिफ्ट है, जो चैप्टर सब लोग को थोड़ा बहुत टफ देता है। वो 11, 12, BCom, MBA में भी रहता है। वो है डेप्रिसिएशन, और आज हम लोग डेप्रिसिएशन का एक क्लास करेंगे। तो यही मेरे तरफ से आप लोग का गिफ्ट है, और आई होप कि आप लोग का भी दरकार है ये चैप्टर को, क्योंकि ये ऐसा एक चैप्टर है जो बहुत टाइम से चलता रहेगा आपके साथ, अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड में है तो। सो शैल वी स्टार्ट स्टार्ट तो सबसे पहले एक ओवरऑल थ्योरी का कॉन्सेप्ट ले लें। आज थ्योरी हम ज़्यादा नहीं बोलेंगे, क्योंकि आज प्रैक्टिकल करने का एकदम मूड है, ठीक है ना? तो थ्योरी क्या है, डेप्रिसिएशन क्या होता है? डेप्रिसिएशन हम लोग जानते हैं कि डेप्रिसिएशन होता है वो चीज़ जो एसेट के ऊपर हम लोग चार्ज करते हैं। मगर सबसे पहले ये समझना चाहिए कि डेप्रिसिएशन होता क्या है। सो डेप्रिसिएशन बेसिकली कोई भी फिक्स्ड एसेट एक्सेप्ट अ लैंड, कोई भी फिक्स्ड एसेट एक्सेप्ट अ लैंड, अगर हम लोग जैसे कि लाइक मशीनरी, बिल्डिंग, फर्नीचर, व्हीकल्स, मोटर कार, बाइक, कोई भी चीज़ को अगर हम लोग कंटिन्यूअसली यूज करते हैं, तो वो उसका जो कैपेसिटी, वर्किंग कैपेसिटी होता है, वो एसेट का रिड्यूस होता जाता है। यानी कि ग्रेजुअली रिड्यूसेस द वर्किंग कैपेसिटी डेली पर्पसेस। सो दैट्स व्हाई ये जो रिड्यूस हो जाता है, उसका वैल्यू, उसका कैपेसिटी, उस चीज को हम लोग, उस रिड्यूस को हम लोग बोलते हैं कॉजेज ऑफ डेप्रिसिएशन। तो ये सिंपल बात है। मगर डेप्रिसिएशन होता बहुत सारा रीजन के लिए भी, जैसे कि वेयर एंड टियर, ऑब्सोलेंस, एक्सीडेंटल, फॉल डाउन इन मार्केट प्राइस। तो ये सब जो भी थ्योरी का कॉन्सेप्ट है, इसके लिए हम लोग अलग से एक दिन उसका वीडियो हम लोग अपलोड करेंगे। मगर आज जो बेसिकली हम लोग थ्योरी पढ़ेंगे, सॉरी साम्स करेंगे, वो है मेथड के ऊपर। कौन सा मेथड और कितना मेथड होता है? देखो दोस्तों, हम लोग का जो डेप्रिसिएशन में मेथड है, वो एक्चुअली 14 मेथड है टोटल अगर देखा जाता है। यानी कि अगर कोई बंदा सीए करता है, तो उसको पूरा 14 मेथड करना पड़ता है, ठीक है? मगर आज का जो मेरा वीडियो है, वो एकदम बेसिक डेप्रिसिएशन के ऊपर है। तो हम लोग का ये आज का जो वीडियो है, नॉट ओनली बेसिक वीडियो, एज वेल एज उसके ऊपर भी थोड़ा बहुत साउंड भी रहेगा। और ये वीडियो फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, MBA, BBA, 11, 12, CBSE, ISC, वेस्ट बंगाल, सब के लिए है, ठीक है? क्योंकि डेप्रिसिएशन, हम पहले भी बोले कि डेप्रिसिएशन ऐसा एक चैप्टर है जो ईच एंड एवरी टाइम में आप लोग को साथ देगा, ठीक है? तो डेप्रिसिएशन का मोस्टली जो मेथड होता है, हम लोग के यूज किया जाता है, वो है दो, एक है स्ट्रेट लाइन एंड डिमिनिशिंग। तो आज ये दोनों के ऊपर हम लोग बात करेंगे। मगर इसको छोड़ के भी बीकॉम में, बीकॉम स्टैंडर्ड के ऊपर भी हम लोग का और भी दो मेथड आता है, वो है प्रोविजंस पर डेप्रिसिएशन मेथड एंड चेंजिंग मेथड, ठीक है? फिर चेंजिंग का दो पार्ट होता है, रिट्रोस्पेक्टिव एंड प्रोस्पेक्टिव, तो वो अलग अलग बात हो जाता है। मगर आज का जो हम लोग वीडियो बनाएंगे, जो क्लास करेंगे, वो है ओनली स्ट्रेट लाइन और डिमिनिशिंग, ठीक? सबसे पहले एक बात बोल दे कि स्ट्रेट लाइन होता क्या है। स्ट्रेट लाइन मेथड का जो हम लोग का डेप्रिसिएशन होता है, वो बेसिकली स्ट्रेट लाइन मेथड का चार नाम भी है, स्ट्रेट लाइन इक्वल बैलेंसिंग ओरिजिनल कॉस्ट एंड फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड, ठीक है ना? तो ये चार नाम हम लोग को याद रखना चाहिए, क्योंकि ये चार नाम में से कोई भी एक नाम पूछा जा सकता है। अगर मान लो कि क्वेश्चन में बोल दिया कि प्रोवाइड द डेप्रिसिएशन अंडर द ओरिजिनल कॉस्ट मेथड और इक्विवेलेंट बैलेंसिंग मेथड, ये थोड़ा सा, ये दो नाम थोड़ा सा अलग टाइप का होता है। बेसिकली हम लोग जो नाम से ज्यादा जो हम लोग यूज टू होते हैं, वो होता है स्ट्रेट लाइन एंड फिक्स इंस्टॉलमेंट। मगर इसका भी और भी दो नाम है, तो प्लीज आप लोग याद रखिएगा।
दूसरी बात है कि हम लोग स्ट्रेट लाइन मेथड में करते क्यों हैं। स्ट्रेट लाइन मेथड बेसिकली हम लोग का जो अप्रोच होता है वो एयरक्राफ्ट का शिपिंग के ऊपर और बहुत साल तक जो हम लोग लीज देते हैं उसके ऊपर हम लोग का ये बेसिकली चार्ज होता है, ठीक है ना। मशीन्स के ऊपर भी हम लोग करीबन देखते हैं कि 11, 12 में क्या बीकॉम में भी आता है कि मशीन्स के ऊपर भी डिप्रिसिएशन स्ट्रेट लाइन के ऊपर होता है। मगर एक बात जो लोग जानता है वो है टैक्स के ऊपर जब डिप्रिसिएशन हम लोग करते हैं अंडर सेक्शन 32, उसमें डिप्रिसिएशन डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड के ऊपर चार्ज होता है। क्या उसके ऊपर एप्लीकेबल होता है? ऐसा क्यों? क्योंकि वो जो मेथड है डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, जो सेकेंड मेथड है, वो एक्चुअली सही है। स्ट्रेट लाइन मेथड गलत नहीं है और वो बेसिकली सही भी है, मगर कोई कोई जगह में हम लोग का गलत कॉन्सेप्ट भी दे देता है। जैसे कि स्ट्रेट लाइन मेथड हमेशा ये बोलता है कि भाई अगर तुम कोई मशीन परचेस की है मान लो कि 1 लाख, तो उसके ऊपर अगर 10% डेप्रिसिएशन दिखाना है तो 10,000 एंड ये सो ऑन होता रहेगा कंटिन्यूअसली। अब ये बात सोचिए, ये 10% पहले साल में तो इसके ऊपर चार्ज किया ठीक है, यानी कि 1 लाख के ऊपर, मगर नेक्स्ट ईयर में इसका वैल्यू, ये मशीन्स का वैल्यू हो जाएगा 90,000। मगर स्ट्रेट लाइन मेथड में अगर हम लोग फॉलो करते हैं डेप्रिसिएशन को, तो वो बोल रहा है नहीं भाई नेक्स्ट ईयर में भी 10,000 ही डेप्रिसिएशन होगा, यानी कि 80,000 होना चाहिए बैलेंस ऑफ मशीन। तो ये कॉन्सेप्ट जो 10,000 बार बार दिखाना चाहते हैं, यानी कि चार्ज ऑन ओरिजिनल कॉस्ट, दैट्स वाई ये नाम भी है यहाँ पर ओरिजिनल कॉस्ट मेथड, ये बेसिकली हम लोग को गलत कॉन्सेप्ट कुछ हद तक देता है। क्यों? क्योंकि ईच एंड एवरी साल में जो हम लोग का, एवरी ईयर में जो हम लोग का रिड्यूस हो रहा है उसका वैल्यू, मशीन्स का वैल्यू, उसके ऊपर चार्ज नहीं करके जो हिस्टोरिकल कॉस्ट है उसके ऊपर कंटिन्यूअसली चार्ज करने के लिए बोलता है ये मेथड। तो ये मेथड टैक्स अथॉरिटी एंड कंपनी के लिए ये एप्लीकेबल नहीं होता है, ठीक है ना। दूसरी बात कि हम लोग ये मेथड का डेप्रिसिएशन कैसे निकालेंगे, तो वेरी इजी इसका मेथड, इसका फॉर्मूला, एनुअल डेप्रिसिएशन इक्वल्स टू कॉस्ट ऑफ एसेट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड नंबर ऑफ लाइफ ऑफ एसेट। ठीक है ना, एकदम सिंपल फॉर्मूला है जो हम लोग शॉर्ट में भी बोल सकते हैं C-S/N, सिंपल फॉर्मूला, ठीक है ना। अब इसके ऊपर एक सम्स बनाएंगे और फिर एक डिमिनिशन के ऊपर एक सम्स बनाएंगे, ओके ना। तो स्टार्ट करते हैं पढ़ना। ए कंपनी परचेज सेकेंड हैंड मशीन ऑन द 1 मई 2019 फॉर द 5,85,000 एंड इमीडिएटली स्पेंड 15,000 ऑन इट्स इरेक्शन। तो इरेक्शन चार्ज क्या हो गया? उसका सेटअप कॉस्ट, इरेक्शन चार्ज और इंस्टॉलेशन चार्ज, इसको बोला जाता है सेटअप कॉस्ट, ठीक है ना। सेटअप कॉस्ट मतलब कोई भी मशीन खरीदते हैं तो जहां तहां तो हम लोग बिठा नहीं देंगे, तो ऑब्वियसली उसके लिए अलग से जगह, उसका अलग से प्लैटिंग प्लैटिंग करना पड़ता है, इलेक्ट्रिसिटी का जो प्लैक होता है उसके लिए अलग से खर्चा करना पड़ता है। तो जो बेसिकली उस पर्पस के लिए, जो इंस्टॉल पर्पस के लिए जो खर्चा होता है उसको बोला जाता है इरेक्शन चार्जेस। तो ये कब खरीदा है? 1 मई 2009 को, ओके। एंड ऑन इट्स इरेक्शन साइड, ओके, 1 अक्टूबर 2010 करीब 1 साल के बाद, ओके ना, इट्स परचेज अनदर मशीनरी ₹4 लाख ऑन द 31 जुलाई 2011 इट्स सोल्ड ऑफ द फर्स्ट मशीन ₹2,50,000, यानी कि फर्स्ट मशीन जो 4 लाख में परचेज किया गया था इट वॉज सोल्ड ₹2,50,000, ऑफकोर्स लॉस हुआ होगा, एंड ब्रॉट अ न्यू मशीनरी फॉर ₹4,20,000, यानी कि उसी दिन जिस दिन में वो मशीन को बेचा गया, यानी कि 31 जुलाई 2011, क्या हम लोग बोल सकते हैं 1 अगस्त 2011 उस दिन में एक नया मशीन खरीदा गया उसके रिप्लेसमेंट। On the 1st 11 2012 the second hand machine was also sold off, yani ke 1st october 2000 kaun sa machine
सेकेंड मशीन मतलब जो परचेज किया गया था फर्स्ट अक्टूबर 2010 में, उसको भी सोल्ड किया जा रहा है 3 लाख में, एंड डेप्रिसिएशन वाज प्रोवाइडेड द मशीनरी 15% पर एनम ऑन द इक्वल बैलेंसिंग मेथड। तो ये बात समझ में आया, देखिए यहाँ पर भी नाम बोल दिया इक्वल बैलेंसिंग मेथड। अगर आप लोग को नाम एक्स्ट्रा जो अल्टरनेटिव नाम है ठीक है ना, वो अगर याद नहीं जाएगा तो आप लोग का प्रॉब्लम हो सकता है ठीक है ना। एंड फिर बोला है कि एंड ऑफ द ईयर जो हम लोग का अकाउंटिंग ईयर कंप्लीट होता है वो होता है 31 मार्च ईच ईयर में, और प्रिपेयर मशीनरी अकाउंट एंड ऑल्सो यहाँ पर प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन भी बोला है, मगर आज हम लोग खाली एसेट अकाउंटिंग बनाएंगे। मगर उससे पहले हम लोग को कुछ जानना चाहिए कि हम लोग एसेट अकाउंट का जो अप्रोच जो हम लोग पुटिंग करेंगे लेजर अकाउंट खोलेंगे तो उसका जर्नल क्या होता है ठीक है ना। बेसिकली इसका 3 टाइप का जर्नल होता है, 3 टाइप का अलग अलग सिचुएशन में जर्नल होता है ठीक है। पहला सिचुएशन, जब हम लोग कोई एसेट परचेज करते हैं, एसेट परचेज करते हैं तब इसका जनरल क्या होना चाहिए, आप लोग को सबको पता होगा एसेट्स अकाउंट डेबिट टू आइदर बैंक अकाउंट नहीं तो वेंडर, वेंडर में उनका जो उधार में यानी कि ऑन क्रेडिट में परचेज किया जा रहा है ठीक है ना। तो एसेट टू बैंक आइदर एसेट टू वेंडर वेन ऑफ एसेट परचेज। नाउ सेकंड, अगर ऐसे परचेस किया है तो डेप्रिसिएशन भी प्रोवाइड होगा, तो डेप्रिसिएशन प्रोवाइड का जनरल क्या होता है, डेप्रिसिएशन बेसिकली लॉस, सो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू सच एसेट बिकॉज ऑफ आई टोल्ड बिफोर के डेप्रिसिएशन के लिए हम लोग का जो एसेट का वैल्यू होता है वो आहिस्ता आहिस्ता रिड्यूस हो जाता है, यानी कि ग्रेजुअली रिड्यूसेस द वैल्यू ऑफ एसेट एंड आल्सो आवर वर्किंग कैपेसिटी ग्रेजुअली रिड्यूसेस, सो दैट्स व्हाई एसेट शुड बी क्रेडिट व्हेन आर प्रोवाइड और चार्जेस द डेप्रिसिएशन। एंड तीसरा जो होता है वो होता है एसेट को अगर हम लोग बेचेंगे तो एसेट्स सोल्ड, इसका जनरल होता है बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि एसेट बेचने से मेरे पास इनफ्लो होता है कैश का। अगर हम लोग का लॉस होता है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू एसेट्स, क्योंकि एसेट गोज आउट इन एसेट गोज आउट विल बी क्रेडिट, एंड अगर मेरे पास प्रॉफिट होता है तो प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट। तो ये हो गया इफ लॉस, और ये प्रॉफिट एंड लॉस इंडिकेट कर रहा है इफ अचीव प्रॉफिट ठीक है ना। तो ये 3 टाइप का जनरल होता है, वेरी इजी, एकदम ही इजी है, क्योंकि ये 3 जनरल इतना टफ भी नहीं है और आप लोग को समझ में भी आता है कि ये 3 जनरल कौन कौन पर्पस के लिए कौन से सिचुएशन के लिए हो गया ठीक है ना। तो जो सम्स हम स्टार्ट किए थे उसको कंप्लीट कर ले। सबसे पहले एक बात बोल दे कि डिप्रिसिएशन में हम लोग का जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होता है वो होता है डेट के पर्पस से। तो डेट हम लोग कैसे काउंट करें, सिंपल एक कॉन्सेप्ट हम बोल दे रहे हैं, अगर आप लोग को ये याद रहेगा तो समझ लीजिएगा कि आप लोग का डेप्रिसिएशन में एटलीस्ट प्रॉब्लम उतना नहीं होगा। पहला 2 पॉइंट होगा, जब हम लोग परचेस करते हैं यानी कि टाइम ऑफ परचेस द डेप्रिसिएशन विल बी चार्ज The depreciation will be charged from date of purchase to year end. Okay. अगर हम लोग कोई भी एसेट परचेस करते हैं, जैसे कि एक जो सवाल हम लोग रेज किए थे फर्स्ट में 2009 में एक नया मशीन परचेस किया जा रहा है, तो ये बेसिकली मई में खरीदा गया है और हम लोग का ईयर एंडिंग है मार्च को, तो मई से मार्च तक काउंट करना पड़ेगा। सो मई से मार्च तक करीबन
8 महीना होता है, सॉरी 8 महीना नहीं, अप्रैल टू मई, नौ सही में 3, कितना 11 मंथ। सो 11 मंथ का यहाँ पर आपका डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाएगा। मगर नेक्स्ट ईयर में भी क्या 11 मंथ का होगा? नहीं, नेक्स्ट ईयर में वो 11 मंथ का नहीं होगा, क्योंकि नेक्स्ट ईयर में तो वो इंस्टॉल हो ही चुका है, सही ना? जब हम लोग खरीद रहे तब उसी दिन से ईयर एंडिंग तक, मगर नेक्स्ट ईयर में तो वो ओपनिंग से मेरे पास है, अगर उसको हम लोग सेल नहीं कर रहे तो। ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना होगा और ये बहुत इजी चीज है। दूसरा जो बात है, इट्स टाइम ऑफ सोल। सोल के टाइम में क्या होगा? सोल के टाइम में होगा फ्रॉम बिगिनिंग डेट टू डेट ऑफ सेल, यानी कि बिगिनिंग डेट मतलब ईयर का बिगिनिंग, यानी कि हम लोग का जैसे कि ये सवाल मार्च में एंड है तो बेसिकली अप्रैल से चालू होगा, तो अगर मान लीजिए कि नेक्स्ट ईयर में अगस्त में सेल होता है, 2009 में परचेस किया गया, 2010 का अगस्त में सेल होता है, तो अप्रैल से काउंट होगा बिगिनिंग, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, यानी कि 5 महीना के लिए उसका डिप्रिसिएशन चार्ज होगा। तो बस इतना ही आपको याद रखना होगा, अगर ये दो बात आपको याद है तो आप लोग का डिप्रिसिएशन में एटलीस्ट 80 to 90% प्रॉब्लम नहीं होगा। तो सर 10% क्यों आप छोड़ दिए? क्योंकि 10% आप लोग के ऊपर डिपेंड करता है कि आप लोग बाकी वर्किंग या बाकी कैलकुलेशन सही कर पा रहे हैं, ठीक है ना? ओके, तो ये चैप्टर बेसिकली कैलकुलेशंस चैप्टर है, अगर आप लोग को कैलकुलेशन सही है तो डिप्रिसिएशन भी सही होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं, शैल वी स्टार्ट? मेरे पास कितना मशीन था? मेरे पास 3 मशीन था, तो 3 मशीन के लिए ऐसा कॉलम आपको ड्रॉ करना पड़ेगा, ठीक है? मशीन 1, मशीन 2, मशीन 3 एंड टोटल डेप्रिसिएशन, एंड ऊपर में कैलकुलेशंस फॉर एनुअल डेप्रिसिएशन एंड प्रॉफिट एंड लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स अंडर स्ट्रेट लाइन मेथड। स्ट्रेट लाइन इक्वल बैलेंसिंग 81, और ये आपका डेट का पावर, क्योंकि यहाँ पर डेट का पावर फंक्शन है, ठीक है? तो स्टार्ट करें, फर्स्ट मई 2019 फर्स्ट मशीन परचेज, कितना में खरीदा? 5,85,000 में खरीदा था, और उसके ऊपर 15,000 का चार्जेस हुआ, यानी कि हम लोग बोल सकते हैं कि 6 लाख का एक्चुअली हम लोग परचेस किए, सही ना? 5,85,000 का, हाँ। ओके, नाउ उस साल में क्या मेरे पास और कोई मशीन आया? नहीं आया, क्योंकि 1 अक्टूबर 2010 में फिर फर्दर सेकेंड मशीन परचेस किया गया। तो बेसिकली ये ईयर है, यानी कि 31 मार्च 2010, ये 2009 होगा, 2010 लेस डेप्रिसिएशन कितना परसेंट इसका? 15%। तो ये कितना महीना का डेप्रिसिएशन हो रहा है? 11 मंथ का। तो ऐसे 11 by 12 ऐसे लिख दीजिए, इसका कितना हो रहा है डेप्रिसिएशन? 6,15% यानी कि 82,500, और ये माइनस कर दीजिए 6 लाख से, यानी कि 5,17,500, और यहाँ पर टोटल डेप्रिसिएशन 82,500 ही हो जाएगा, क्योंकि मेरे पास तो और कोई मशीन का डेप्रिसिएशन हुआ ही नहीं।
फिर 1 अक्टूबर 2010 में सेकेंड मशीन फिर से परचेज किया गया, हाउ मच? 4 लाख। तो 4 लाख फिर से यहां पर आप एक बात बोलना है, जैसे कि यहां पर ये जो 5,17,500 आया है, ये 11 मंथ का डेप्रिसिएशन होने के बाद आया, क्या इस बार भी 11 मंथ का डेप्रिसिएशन होगा? नहीं, क्योंकि ये तो सेटल हो गया, ये तो कंपनी में चल रहा है। मगर ये जो मशीन आया सेकेंड मशीन 4 लाख का अक्टूबर महीना में, तो अक्टूबर टू मार्च कितना महीना होता है? 6 मंथ, ओके ना? तो इसके ऊपर 6 मंथ का डेप्रिसिएशन होगा, मगर उसके ऊपर फुल ईयर डिपेंडेंट होगा। अब दूसरा क्वेश्चन है, हम लोग कौन सा मेथड अप्लाई कर रहे हैं? स्ट्रेट लाइन। तो स्ट्रेट लाइन में क्या बोला है कि ओरिजिनल कॉस्ट के ऊपर हम लोग का डिप्रिसिएशन चार्ज करना पड़ेगा। ओके चलो, अब 31 मार्च 2011 लेस डिप्रिसिएशन 15%, बट 15% ऑफ दैट अमाउंट, यानी कि 6 लाख का 15% होता है 90,000, और 4 लाख का यहाँ पर 6 मंथ का होगा, 4 लाख का 6 मंथ हो गया आपका 30,000। तो यहाँ पर आपका टोटल डिप्रिसिएशन इस साल में हो गया 1,20,000, क्योंकि और एक मशीन का डिप्रिसिएशन चार्ज हुआ, तो 3,70,000 इट वुड बी वैल्यू ऑफ मशीन, एंड 5,17,500 माइनस 90,000, 4,27,500। फिर से बोल रहे हैं 15% ऑफ दैट अमाउंट बिकॉज ऑफ स्ट्रेट लाइन मेथड आर फॉलो, ठीक है ना? उसके बाद जो बोला था वो ये था कि 31 जुलाई 2011 फर्स्ट मशीन आर सोल्ड, एंड 1 नवंबर 2012 सेम मशीन वाज सोल्ड। तो अभी तक हम लोग को और 1 साल करना है, तो ये मशीन्स 12 तक तो नहीं जा रहा है, 12 का 31 मार्च तक क्या जा रहा है? नहीं, कब तक जा रहा है? 31 जुलाई 2011 तक। तो ऑब्वियसली ये मशीन्स के ऊपर हम लोग को 31 जुलाई 2011 तक ही डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करना है, मगर ये मशीन से कोई दोस्त नहीं किया, उसको तो सोल्ड आउट नहीं कर रहे, तो ऑब्वियस है कि उसको हम लोग इस साल में फुल ईयर डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करेंगे। तो चलिए 31 मार्च 2012 लेस डेप्रिसिएशन 15%, बट इसके ऊपर कितना महीना का डेप्रिसिएशन होगा? क्या बोले थे कि सेल के टाइम में हम लोग का क्या करना पड़ता है? बिगनिंग ऑफ द ईयर से हम लोग का सेल डेट तक, तो बिगनिंग ऑफ द ईयर दैट विल दैट इज द अप्रैल, सो अप्रैल मई जून जुलाई, जुलाई इसलिए पूरा काउंट होगा क्योंकि 31 जुलाई में बेचा गया है, तो 4 महीना का यहाँ पर डिप्रिसिएशन चार्ज होगा, मगर इसमें फुल ईयर का, फुल ईयर 4 लाख का 15% 60,000, और 60,000 6 लाख इंटू 15% इंटू 4/12, क्योंकि फिर से 6 लाख से ऊपर ही होगा ओरिजिनल कॉस्ट। ओके, थ्री लैख 97,500, और ये हो गया आपका 3,10,000, और डिप्रिसिएशन हो गया 90,000, ठीक है? फिर अब ये जो मशीन आया, इसका जो WDP आया, इसको हम लोग 31 जुलाई 2011 में सोल्ड ऑफ मशीन 1,50,000, 2,50,000 में सोल्ड किया जा रहा है, तो ये मशीन ब्लॉक हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। अब कितना लॉस आया? 3,97,500 माइनस 3,50,000, सो 1,47,500, ओके ना? अब ये मशीन्स कैंसिल, खत्म। फिर क्या बोला था? फिर बोला था कि ब्रॉड अनदर मशीन्स उसी दिन का जिस दिन में हम लोग सोल कर रहे थे, अच्छा
सोल भी किया जिस दिन में हम लोग का डेप्रिसिएशन चार्ज होगा। तो फर्स्ट अगस्त 2011 थर्ड मशीन परचेज, थर्ड मशीन आया था 4,20,000 एंड ये अगस्त में आया है। सो अगस्त से आपका मार्च तक डिप्रिसिएशन जो होता है अगस्त से 5 और इस में 3 यानी कि 8 महीना का डिप्रिसिएशन होगा। ठीक है, यानी कि 4,20,000 × 15% × 8/12 सो 42,000 8 महीना का डिप्रिसिएशन। और ये भी इसी साल के अंदर ये ऐड होगा 42,000 के साथ, ठीक है ना, क्योंकि वो उसी साल का ही था। अब जैसे हम लोग को एक और एक साल करना है, 31 मार्च 2012 31 मार्च 2012 हो गया था। अच्छा तो 13 होगा लेस डेप्रिसिएशन 15%। इस साल में भी एक छोटा सा सेल्स है, जो सेकंड मशीन खरीदे थे वो 1 नवंबर 2012 में सेल हो जा रहा है। तो 1 नवंबर 2012 में अगर सेल हो जा रहा है तो कितना महीना का वो डेप्रिसिएशन चार्ज होगा? अप्रैल से अक्टूबर तक, क्योंकि नवंबर में तो सेल हो जा रहा है तो अप्रैल से नवंबर आपका होता है तो 7 महीना, ठीक है 7 महीना, अप्रैल मई जून, नवंबर तो काउंट नहीं होगा तो 7 महीना। पर इस ये मशीन्स के ऊपर इस बार फुल ईयर का डेप्रिसिएशन होगा, तो ये जो है वो 4 लाख, 4 लाख के ऊपर होगा ओरिजिनल कॉस्ट। तो 4,15% × 7/12 35,000 से माइनस करता हूँ, कार्ड है 2,75,000 और इसका 40 लाख 20 के ऊपर होगा 4,20,000 के ऊपर 63,000 फुल ईयर डेप्रिसिएशन। 3,15,000 ये कंप्लीट हो जाएगा और ये 2,70,000 75,000 को 3 लाख में बेचा गया है यानी कि प्रॉफिट। सोल्ड इन टू मशीन टू 3 लाख, तो 25,000 का प्रॉफिट हो गया और यहाँ पर जो हुआ था ये मेरा लॉस हो गया, ठीक है ना। हम साल्स कंप्लीट, तो मेरा इस साल का जो डेप्रिसिएशन होगा वो है 35 + 63 तो 98,000 का डेप्रिसिएशन होगा। ओके बस अब इसको अकाउंट्स में डालना है, सिंपल बात है। स्टार्ट करते हैं। पहला, जब हम लोग कोई एसेट परचेस किए थे तो उसका जनरल क्या बोले थे, एसेट टू बैंक। तो एसेट में 1 मई 2009 टू बैंक अकाउंट, तो 5,85,000 + 15,000 = 6 लाख। फिर उस साल में और कोई झगड़ा नहीं हुआ तो 31 मार्च 2010 बाई डेप्रिशिएशन अकाउंट
ये साइड में हम रख दिए मेरा हेल्प होने के लिए, तो 82,500 आप लोग को ये मत दिखिएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर बैलेंस क्या होगा, 6 लाख, यहाँ पर भी 6 लाख, 6 लाख एक्चुअली था, तो 6 लाख से 82,500 तो बाई बैलेंस सीडी 5,17,500। ओके ना, फर्स्ट अप्रैल 2011 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 5,17,500, ठीक है। उस साल में और एक मशीन्स परचेज किया गया था 2010 का, 1 अक्टूबर 2010 में। टू बैंक अकाउंट फिर से हम लोग का जितना भी परचेज होगा सब टू बैंक से होगा। कितना में खरीदा गया था, 4 लाख से, ठीक है ना। यहाँ पर 31 मार्च 2011 बाई डेप्रिशिएशन अकाउंट 1,20,000, पहले हो गया 19,17,500। नाइन लैख 17,500 एंड इसका बैलेंस, बैलेंस सीडी 7,97,500। ओके देन फिर से बीटी 1 अप्रैल 2011 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 7,97,500। इस साल में एक मशीन्स को बेचा गया, कब बेचा गया, फर्स्ट सॉरी थर्टी फर्स्ट जुलाई 2011। तो जब भी ऐसे परचेस कर रहे तो ऐसे टू बैंक देन एसेट अगर सोल्ड आउट होगा तो बैंक टू एसेट, यानी कि एसेट में क्या हो जाएगा, 31 जुलाई 2011 बाई बैंक अकाउंट सोल्ड कितना में, 2,50,000 में किया गया था। जब सेल किया गया तब उसमें लॉस आया, तो लॉस कितना का आया, 1,47,500 का। तो अब अगर लॉस आता है तो लॉस क्या होता है, डेबिट होता है, तो उसमें भी जनरल हो रहा है कि आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट। तो यहाँ पर भी आपका हो जाएगा बाय प्रॉफिट एंड लॉस एंड सेम डेज लॉस 1,47,500। ओके और जिस दिन हम लोग ये चीज को बेचे लिया, मतलब पहला मशीन को, उसी दिन में फिर एक नया मशीन को परचेज भी किया गया था, तो फिर से टू बैंक परचेज एंड हाउ मच, इट वुड बी 4,20,000 एंड फिर 31 मार्च 2012 बाई डेप्रिसिएशन। हम बोले थे कि ये दोनों बैलेंस को ऐड करने के लिए, यानी कि 90,000 प्लस 42,000 जो दो मशीन्स को मिला के हुआ था 32,000, 1,32,000 का डेप्रिसिएशन। तो यहाँ पर बैलेंस 90,500 12,17,500 यहाँ पर भी हो जाएगा 12,17,500 माइनस 2,50,000 माइनस 47,500 यहाँ पर 32। तो ये बैलेंस इस साल का रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपका मशीन 6,88,000 हो गया, ठीक है।
और एक साल का खाली बाकी है। 1 अप्रैल 2012 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 6,88,000। और उस साल में कोई नया मशीन तो परचेस किया गया नहीं था, मगर एक सेकेंड मशीन को, यानी कि जो फुल लाइफ में परचेस किया गया था, उसको बेचा जा रहा है। ठीक है ना, तो बेचा जा रहा है तो फिर से वही हमने बाय बैंक। कब बेचा था? 1 नवंबर 2012 को। सो बाय बैंक अकाउंट सोल्ड 3 लाख में, मगर इसको बेचने के टाइम पे हम लोग प्रॉफिट अचीव किए थे 25,000 का। तो अगर लॉस हो रहा है, लॉस बाय प्रॉफिट या लॉस होता है, तो अगर प्रॉफिट होता है तो वो क्रेडिट साइड में होगा, तो एसेट टू पीएल, यानी कि एसेट में हो जाएगा टू प्रॉफिट एंड लॉस, देखिए प्रॉफिट 25,000 का प्रॉफिट अचीव किया था। एंड एज यूजुअल 31 मार्च 2013 बाय डेप्रिशिएशन अकाउंट एंड दिस अमाउंट 98,000। अब जो बैलेंस आएगा वो तो जाएगा कितना, 7,30,000। इस साइड में भी 7,14,000 एंड बैलेंस अमाउंट 3,15,000, ये मेरा बैलेंस पड़ा रहेगा। और एक चीज आप लोग को बोल दें, जो शायद वो आप लोग को पता नहीं है, वो ये है कि ये जो लास्ट का बैलेंस आएगा, आप हम जो वर्किंग किया अभी, उसका लास्ट बैलेंस भी 3,15,000 था। तो ये आप लोग को एग्जाम हॉल में भी आप लोग को थोड़ा सा हेल्प कर देगा कि आप लोग डिप्रिसिएशन सही बनाए कि गलत बनाए। ठीक है ना, तो ये मेरा एक छोटा सा एक साम्स था, और आज तो खाली स्ट्रेट लाइन ही हो पाया, डिमिनिशिंग और उसका प्रोविशंस जो डिप्रिसिएशन मेथड है उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में कोर्स करेंगे। और आज के लिए इतना ही। आई होप कि डिप्रिसिएशन उतना भी टफ नहीं है जो आप लोग इतना सोचते हैं कि इतना टफ है, ये है, ऐसा नहीं है। थोड़ा सा आप समझ के करिएगा, और वो जो 2 लाइन हम बोले थे, वो परचेज के टाइम पे क्या होगा और सेल्स के टाइम में, तो आप लोग उसको थोड़ा सा रिमाइंड करिएगा, तो आप लोग को डिप्रिसिएशन ठीक से आ जाएगा।